You will get all notifications from our upcoming अपकमिंग so subscribe our channel and also click on bell icon. Hello friends, this is Exam Study Zone और आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर्स के एम सी क्यू फिफ्टीन क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बेसिक uh, जो कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें भी हमारा कंप्यूटर सेक्शन आता है उसमें जो बेसिक पार्ट से क्वेश्चन आते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है जो हमारी फर्स्ट वीडियो है एम पर बेसिक कम्प्यूटर्स एम पर एंड uh, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग बैंकिंग एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर सेक्शन से एक हमारा सिंपल लेवल में होता है एक मॉडरेट लेवल में होता है और एक हाई लेवल में होता है तो ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके सिंपल लेवल में आएंगे, बट इन्हीं क्वेश्चंस को हम लाइटली ले लेते हैं जिसकी वजह से हम गलत कराते हैं क्योंकि बेसिकली दो ऑप्शंस में ही जाके हमें डाउट होता है कि ये होगा कि ये होगा तो बेसिक्स भी क्वेश्चंस आने ज़रूरी हैं तो इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चंस को, को जो काफ़ी इंपॉटेंट हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में उन्हीं को लिया है तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशं आपको मिलती रहें और साथ में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है अनदर नेम फॉर पर्सनल कंप्यूटर ठीक है तो पर्सनल कंप्यूटर का एक और नाम क्या है या पर्सनल कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं या हम पुकार सकते हैं तो पहला है मिनी कंप्यूटर फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर फिर है सुपर कंप्यूटर और फिर है माइक्रो कंप्यूटर पहले तो हम ये बता दें कि ये जो चारों कंप्यूटर आपको दिख रहे हैं सुपर मेन फ्रेम मिनी माइक्रो ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ़ साइज ओके जब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो तीन तरह से हम डिवाइड करते हैं एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ़ पर्पस ऑन द बेसिस ऑफ़ एप्लीकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ तो ये जो चार हैं वो आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ में आते हैं ठीक है और इसमें बात कर ले तो जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो हमारा साइज़ में सबसे बड़ा होता है एक्सपेंसिव होता है स्पीड भी सुपर कंप्यूटर की ज़्यादा होती है फिर हमारे पास आता है सेकेंड नंबर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसकी स्पीड साइज से कम होता है देन उसी तरह से मिनी और लास्ट वन हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर तो उसकी वीडियो हमने आ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की वीडियोस हमने अपलोड कर रखी हैं तो आप चाहें तो उन्हें हमारे डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है आप वहाँ से जाके इन्हें देख सकते हैं ठीक है तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एक और नाम पर्सनल कंप्यूटर का होता है माइक्रो कंप्यूटर ठीक है जो माइक्रो कंप्यूटर है उसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं और uh, जिसका एग्ज़ैम्पल हो जाता है हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर ठीक है तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे सेकेंड क्वेश्चन है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है यानी कि आ, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो भी या फिर अगर हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी कि फ़र्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है ठीक है चाहे हमसे फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछे चाहे फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछे दोनों का आंसर एक ही होगा ठीक है तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं यूनिवेक ई डी सेक एक एंड ई डी वैक ठीक है तो अगर हम बात करें यूनिवैक की तो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ठीक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर उसके बाद है ई डी ई डी का फुल फॉर्म हो जा होता है इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ठीक है उसके बाद है हमारे पास ई एक जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर उसके बाद है हमारे पास ई जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ठीक है तो ये जो हमारे पास चारों कंप्यूटर्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं ठीक है ये याद रखिएगा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर है हमारे पास सी इन्हीं e एक्ट जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ठीक है तो ये इसका आंसर है और जिसको इन्वेंट की बात करें तो इसको किया था हमारे इंकर्ड ने ठीक है और जॉन मॉचली तो ये इनके इन्वेंटर्स थे, थे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं इन विच जनरेशन द मिनी कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड किस जनरेशन में मिनी कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा थर्ड थर्ड uh, हमारा थर्ड जनरेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बाद आता है फोर्थ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था ठीक है जॉन वॉन न्यूमैन हरमन ब्लेस पास्कल या फिर चार्ल्स पाबेज चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था इनमें से किसने तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लेस पास्कल सी ठीक है इसका आंसर है ब्लेस पास्कल तो Uh, जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है जो ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था उसको हम लोग पास्कल कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो इसका आंसर हाँ, आप आ जाएगा ब्लेस पास्कल या हमसे कहा जाए कि फर्स्ट कैलकुलेटर भी किसने इन्वेंट किया था तो इसका आंसर सेम होगा ब्लेस पास्कल ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने इंट्रोड्यूस किया था तो इसका आंसर हमारे पास जैसे कि ऑप्शन है आई बी एम एप्पल इंटेल या इनमें से कोई नहीं नन ऑफ ननवदीस तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा इंटेल ठीक है जो इंटेल है उन्होंने फ़र्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया था और फ़र्स्ट माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था वो था इंटेल फ़ोर जीरो जीरो फ़ोर ठीक है तो तीन क्वेश्चन बनते हैं कि फ़र्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने इंट्रोड्यूस किया था ठीक है इंटेल ने कौन सा था इंटेल फोर जीरो जीरो फोर और साथ में हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस जनरेशन में आया था तो ये फोर्थ जनरेशन में आया था ठीक है तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा इंटेल सिक्स क्वेश्चन इन विच जनरेशन द बेसिक लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड ठीक है इनमें से कौन सी जनरेशन है फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है फोर्थ है जब बेसिक लैंग्वेज डेवलप्ड हुई थी ठीक है तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सेकंड सेकंड जनरेशन में बेसिक लैंग्वेज डेलप्ड हुई थी बेसिक है आपके पास या हम कह लें कोबोल है आ, इसके अलावा आपके पास हो जाएगा फोट्रैन है तो ये तीनों डेवलप की बात की जाए तो वो सेकेंड जनरेशन में हुआ था कोबोल का आपका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ठीक है बेसिक का होता है बिगनर्स और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड और ये सारे आपके अगर डेवलप्ड की बात की जाए तो ये हमारा आ जाएगा सेकेंड जनरेशन में सेवेंथ इन एक बेसिकली डिज़ाइन फॉर किस लिए इसको डिज़ाइन किया गया था तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी बैलास्टिक पर्पज़ ठीक है तो इसके लिए हमने इसको डिज़ाइन किया था जैसे कि हमने बात की है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोलते हैं ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी एट्थ इन विद जनरेशन द माइक्रो कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड किस जनरेशन में माइक्रो कम्प्यूटर इंट्रोड्यूस्ड हुए थे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा थर्ड जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड हुए थे ठीक है नाइन्थ दोड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज बाय किसने इस्टो प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था जॉन वॉन ने हरमन ने पास्कल ने या फिर चार्ल्स बाबेज़ ने जो चार्ल्स बाबेज़ हैं वो बेसिकली हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी हम इनको जानते हैं ठीक है थीके? तो इनमें से कौन सा आंसर है इसका तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ब्लेस पास्कल ठीक है ब्लेस पास्कल इस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जिन्होंने इस प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था टेंथ आई बी एम का पुराना नाम क्या है ठीक है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें आई बी एम का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि आई बी एम का फुल फॉर्म क्या है इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका पुराना नाम क्या था ठीक है एप्पल था इंटेल था मोटर ओला था या सी टी आर ठीक है तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा आपका सी टी आर इसके बारे में थोड़ा जान ले कि सी टी आर का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म था आपका कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी ठीक है सी का फुल फॉर्म आपका था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी और जो आई है उसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ठीक है तो आई का पुराना नाम था सी टी आर देन इसका आंसर हो जाएगा डी दैन एलेवेंथ क्वेश्चन द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज़ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वो कौन सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यू कॉम्पोनेंट है इनमें से जो हमने यूज़ किया था ट्रांजिस्टर है इंटीग्रेटेड सर्किट है वैक्यूम ट्यूब्स है या इनमें से कोई नहीं है ननव दीज है ठीक है तो अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो जो हमारा ट्रांजिस्टर्स हैं वो बेसिकली सेकेंड जनरेशन में आया था ठीक है इंटीग्रेटेड टिप्स हमारा आया था थर्ड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स हमारा आया था फर्स्ट जनरेशन में ठीक है तो ये तो ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या वैक्यूम ट्यूब्स ठीक है तो वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में आए थे उनको रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर्स ने सेकेंड जनरेशन में फिर ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया था इंटीग्रेटेड uh, सर्किट ने सर्किट uh, ने थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया फिर जब हम फर्दर आगे बढ़े फोर्थ जनरेशन में तो फोर्थ जनरेशन में हमारे पास एल एस आई और वी एल एस आई आया ठीक है जिसका हमारे पास फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंट्रीग्रेशन और लार्ज स्केल इंट्रीगेशन ठीक है और फिफ्थ जनरेशन जो है उसमें वी एल एस आई और एल एस आई को रिप्लेस किया है यू एल एस आई ने यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंट्रीग्रेशन ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वैक्यूम ट्यूब्स 12th इन विच जनरेशन द आई सी वॉज यूज एज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट आई सी मतलब क्या इंटीग्रेटेड चिप्स जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा थर्ड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके थर्ड जनरेशन में हमने आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ किया था ठीक है थर्टीथ क्वेश्चन द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार रिप्रेजेंट यानी स्पीडोमीटर जो कार का है वो क्या रिप्रेजेंट करता है क्या वो हाइब्रिड कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है एनालॉग कंप्यूटर को करता है डिजिटल कंप्यूटर को करता है या फिर माइक्रो कंप्यूटर को करता है ठीक है तो सबसे पहले तो हम समझ लें कि आ, जो आपके पास है हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ये सब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ठीक है और माइक्रो कंप्यूटर भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ठीक है तो इन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वहाँ से आप ये वीडियोस देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी एना कंप्यूटर ठीक है अगर हम बात करें एनालोंग कंप्यूटर्स की तो एनालॉग कंप्यूटर या जो स्पीडोमीटर ऑफ अ कार है वो एक तरह से इसी के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है इसी के एग्जांपल हम कह सकते हैं कि स्पीडोमीटर ऑफ अ कार है तो ये क्या करता है कि ये कार के बेसिकली स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर्स कार स्पीड ओके जो कार की स्पीड uh, होती है उसको बेसिकली ये मेजर करता है ठीक है स्पीडोमीटर ऑफ अ कार क्या करता है कार की स्पीड को मेजर करता है ठीक है तो ये uh, कह सकते हैं कि ये एनालॉग कंप्यूटर का एक एग्ज़ाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारी फ़िजिकल क्वांटिटीज होती हैं जैसे लेंथ हाइट टेम्परेचर इन सब को मेजर करता है और कन्वर्ट करता है इसको डिजिट्स फॉर्म में ठीक है एंड जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो बेसिकली uh, काम करते हैं कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ पे और जो हमारे सॉरी uh, जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ पे काम करते हैं और जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो डिस्क्रिएट वैल्यूज़ पे काम करते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर uh, किस पे काम करते हैं तो हमारा कॉन्टीन्यूस वैल्यू आ जाएगा और डिजिटल कंप्यूटर्स किस पे काम करते हैं या कौन सा वर्ड हमारा डिजिटल कंप्यूटर के लिए है तो वो हो जाएगा डिस्क्रिएट वैल्यू ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर्स की तो हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जाम्पल होता है जो पेशेंट्स की हार्ट बीट मेजर करने के लिए जो मशीन होती है हॉस्पिटल्स में उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जाम्पल ले सकते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर कहें तो हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही फंक्शंस को दिखाते हैं ठीक है थीके? तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है uh, दूसरा क्वेश्चन यही जो मैंने बोला कि कॉन्टिन्यूस वैल्यू किसके लिए आता है तो एनालॉग के लिए आता है डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन डिस्क्रिएट वैल्यू तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन का चार पाँच वे में हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है थीके? तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा एनालॉग कंप्यूटर फोटीन इन विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर यानी कि साइज स्पीड की बात करें तो सुपर कंप्यूटर फर्स्ट नंबर पे आता है तो हम कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर ही सबसे पावरफुल कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर का एग्ज़ैम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा परम जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इसके अलावा अदर एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जैसे तेहूलाइट है तिहाने हैं ठीक है ये सारे सुपर कंप्यूटर्स के एग्ज़ैम्पल्स हैं तो ये आपके पास आ जाएगा सुपर कंप्यूटर इसका एग्जाम इसका आंसर ठीक है लास्ट क्वेश्चन फिफ्टीन और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है क्यों है अभी पता चल जाएगा इसको देखते हैं पहले फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था ठीक है या फर्स्ट कैलकुलेटर कौन सा था तो इसमें ए ऑप्शन देखिए एबैकस है, है और सी ऑप्शन है पास्कल ठीक है इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा होगा क्योंकि एबैकस भी हम यूज़ करते थे कैलकुलेशन uh, के लिए एडिशन के लिए इन सब के लिए और पास्कल भी इसी तरह का हमारा कैलकुलेटर था ठीक है एडिंग मशीन थी हमारी तो इस तरह से एबेकस भी है और पास्कल भी है बट अगर हम पास्कल कैलकुलेटर की बात करें तो पास्कल कैलकुलेटर बेसिकली एक सक्सेसफुल कैलकुलेटर uh, की तरह से इसने काम किया था ठीक है इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा पास्कल ठीक है एबेकस भी है हमारा कैलकुलेटर ये भी कैलकुलेटर है ये भी कैलकुलेटर है बट अगर हम फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो सक्सेसफुल हुआ था और हम जानते भी हैं कि इसी को हमने फ़र्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा तो वो हमारा आ जाएगा पास्कल कैलकुलेटर अगर हमारे पास ऑप्शन में पास्कल कैलकुलेटर नहीं होता सिर्फ एबेकस होता है इसके अलावा हमारे पास तीन ऑप्शन कोई और होते हैं तब हमारा जो सेकेंड वन बेस्ट आंसर होता है वो एबेकस हो जाएगा बट यहाँ पे पास्कल कैलकुलेटर है इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा पास्कल कैलकुलेटर ठीक है फिर भी अगर आपको इस आंसर में कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर और बता सकते हैं पर फिलहाल काफ़ी जगह पे अगर हम देखें तो मेजॉरिटी पास्कल कैलकुलेटर की ही है तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पास्कल कैलकुलेटर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आंसर में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जिसमें बेसिकली जब फर्स्ट पूछा जाता है तो एक दो नाम में कन्फ्यूजन होता है तो जिस जिस तरफ भी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है जिस तरफ ज़्यादा होता है तो हम उसी तरफ के आंसर को बोलते हैं तो इसमें फ़र्स्ट बेस्ट आंसर है पास्कल कैलकुलेटर अगर वो हमारे पास ना होता तब हम एबेकस के साथ जाते हैं ठीक है तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वोज पास्कल कैलकुलेटर जिसको इन्वेंट किया था ब्लेस पास्कल ने ठीक है तो ये हमारे फिफ्टीन क्वेश्चन थे बेसिक एम सी क्यूज़ थे कंप्यूटर्स के आगे थोड़े और हम वीडियोज़ uh, बनाएंगे बेसिक पे और वही बनाएंगे क्वेश्चन वही क्वेश्चन को रखेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं बेसिक्स में ठीक है तो ये हमारी वीडियो थी सो so, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई uh, तो प्लीज़ एग्जाम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और uh, बेल आइकन पर जरूर क्लिक क्लिक कीजिए जिससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे साथ में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें कमेंट करें शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिले और वो भी पढ़ें जिससे जो भी क्वेश्चन इसमें हमने डिस्कस किए हैं वो उनको भी हेल्पफुल रहें और साथ में अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं so thank you so much uh, thanks for watching friends and uh, subscribe kj and thank you so much have a good day